हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूं कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं जेसीबी में गियर किस तरीके से हमको लगाना है। अगर वो रनिंग अवस्था में है तो किस तरीके से हमको लगाना है, या बैक बकेट से हम काम कर रहे हैं तो किस तरीके से हमको गियर लगा के चलाना है। इस वीडियो में मैं आपको फुल कंप्लीट इन्फॉर्मेशन दूंगा कि किस तरीके से हमको गियर लगाना है, कितने तरीके से हम गियर को लगा सकते हैं। लेकिन मैं पहले आपको ये बता देता हूँ कि जब हम पीछे का बकेट चलाते हैं तो दो नंबर गियर डाल के फिर उसके बाद हम पीछे का बकेट चलाना स्टार्ट करते हैं। और दोस्तों, और मैं लाइव आपको दिखा देता हूँ कि अगर आपका जो रनिंग अवस्था में है गियर लगाने का तरीका, किस तरीके से हमको गियर लगाना है, मैं आपको लाइव दिखाने वाला हूँ। चलिए तो वीडियो को हम स्टार्ट कर ले। तो जेसीबी का गियर किस तरीके से लगाना है, हमें यहाँ से आप देख सकते हैं, ये चार नंबर यहाँ पे दिखा दे रहा है, 1 2 3 4 इसमें गियर होते हैं। उसके बाद यहाँ पे एक और गियर होता है जिसको हम फॉरवर्ड बोलते हैं, न्यूट्रल बोलते हैं और रिवर्स बोलते हैं। यहाँ से आप देख सकते हैं और इसमें गियर किस तरीके से लगाया जाता है। देखिए तो इसमें एक कंडीशन है, अगर आपका रिवर्स में हो या आगे न्यूट्रन करके फॉरवर्ड में हो तो आपको गियर किस तरीके से लगाना है। देखिए तो इसमें जो है एक क्लच होता है, यहाँ बटन जैसा यहाँ पे एक क्लच है। अगर आपका ऐसा रिवर्स में हो, ऐसा यार रिवर्स में हो या यहाँ पे फॉरवर्ड में हो, तो आपको गियर ये जो क्लच है ना, इसको क्लच को दबाकर इस तरीके से लगाना है। यहाँ से आप देख सकते हैं क्लच को दबाकर इस तरीके से लगाना है। अगर आपका जो यहाँ पे न्यूटन है, तो यहाँ पे ना रिवर्स है ना फॉरवर्ड है, यहाँ पे सीधा न्यूटन है, तो आपकी यहाँ जो गियर है किस तरीके से लगाना। अगर आप क्लच दबाएंगे भी नहीं तो आप तो भी आपका गियर यहाँ पे लग जाएगा। आप जैसा लगाना चाहते हो, जितना नंबर 3 नंबर 4 नंबर जो भी आप लगाना चाहते हैं, आपका गियर बहुत ही आसानी से लग जाएगा। अब देखिए दोस्तों, अब बात आती है कि अगर स्पीड में गाड़ी चलती है रेस में रोड पे, तो आपको गियर किस तरीके से लगाना चाहिए। दोस्तों हम यहाँ से लाइव दिखा देते हैं। सबसे पहले हम मशीन अपना स्टार्ट कर लेते हैं। मशीन स्टार्ट करने के बाद यहाँ से आपको मैं दिखाता हूँ कि आपको गियर किस तरीके से लगाना है। देखिए तो यहाँ से हम रिवर्स करेंगे और यहाँ से हम गियर अपना लगा लेंगे। देखिए तो अभी हमारा रनिंग में गाड़ी यहाँ पे दिखाई दे रहा है, रनिंग में रिवर्स में चल रहा है। आपको गियर किस तरीके से लगाना है, यहाँ पे देखिए तो यहाँ पे क्लच दबाना है। क्लच क्लच दबाने के बाद यहाँ से गियर लगा देना है। यहाँ से आप देख सकते हैं गियर हमारा लग चुका है यहाँ पे। तो गियर लगने के बाद यहाँ से आप देख सकते हैं ये हमारा गाड़ी भागना स्टार्ट हो चुका है। अब रही बात दोस्तों, इसमें अगर फॉरवर्ड है तो भी गियर किस तरीके से लगा, जैसे कि हम यहाँ से फॉरवर्ड कर लिए, यहाँ से हमारे न्यूट्रल यहाँ फॉरवर्ड कर लिए। फॉरवर्ड करने के बाद तो भी इसी तरीके से गियर लगाएंगे। तो जैसे जा रहा है इस तरीके से हमारा गाड़ी आगे जा रहा है, उसके बाद हमें गियर किस तरीके से लगाना है, इसमें क्लच ऐसा दबाना है। क्लच दबाने के बाद यहाँ पे अपना जितना नंबर गियर लगाना है, 2 नंबर 1 नंबर उस तरीके से आप यहाँ पे क्लच दबा के लगा लेंगे। यहाँ पे क्लच दबाना है तो ही गियर लगेगा, अगर यहाँ पे फॉरवर्ड में है तो। और एक तरीका है कि इसको आप अगर न्यूटन कर लेंगे तो आप गियर जितना लगाना चाहे यहाँ से बहुत ही आसानी से लगा सकते हैं। तो दोस्तों इसी तरह आपको गियर इस्तेमाल करना है। यहाँ पे अगर फॉरवर्ड में है तो क्लच दबा के लगाएंगे, अगर न्यूटन है तो आप साधारण तरीके से ऐसे गियर लगाएंगे तो आपका गियर लग जाएगा। दोस्तों देखा आपने कि जब हमारा गाड़ी रनिंग अवस्था में रहे तो हमको गियर किस तरीके से लगाना है और कितने प्रकार से हमको गियर लगाना है, आपने लाइव देखा है। दोस्तों अगर आपके मन में कोई क्वेश्चन हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, मैं आपके सवालों का जवाब जरूर दूंगा। आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं फिर अगली वीडियो में।